दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे अबुआ आवास योजना की पूरी लिस्ट देख सकते हैं और आप अपने गांव, अपनी पंचायत या फिर अपना नाम भी बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। आप अपने फोन से भी इस लिस्ट को देख सकते हैं। दोस्तों गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है और यह लिंक आपको इस वीडियो के पहले कमेंट में भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और उस लिंक पर क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिंक पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर यानी FY सेलेक्ट कर लेना है जो कि हमारा 24-25 होगा। इसके बाद में हमें यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हमारा सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर हमारा ब्लॉक सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं अपना एक ब्लॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हमें पंचायत सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर मैं आपको पंचायत भी सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें R5 IPP वाले सेक्शन में लिस्ट ऑफ वर्क वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें वर्क कैटेगरी में ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों इसके बाद हमें वर्क स्टेटस में भी ऑल वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों इसके बाद में जो फाइनेंशियल ईयर है वो हमें 24-25 सेलेक्ट करना है। दोस्तों इसके बाद में हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अबुआ आवास से रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी सारे नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों ये जो लिस्ट है ये पूरे आपकी पंचायत की है। यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करके जहाँ पे भी आपका नाम है वो आपको यहाँ पर इसमें देख लेना है। दोस्तों आप भी इसी प्रकार से अपना अबुआ आवास की जो लिस्ट है उसमें अपना नाम देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।